अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक मीठी डिश और गुड़ से बनाएंगे फ्रेंड्स। सेहत के लिए भी अच्छा होता है ना, फली के बीज और गुड़। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक इसे तिलवट बोलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम एक कटोरी जितना रागी का आटा रख लेंगे और एक कटोरी जितना गुड़ और एक कटोरी जितना फली के बीज मैं इसे अच्छे से लो फ्लेम में भून के इसका छिलका उतार कर रेडी से रख ली हूँ फ्रेंड्स। और आधी कटोरी तिल इसे भी मैं अच्छे से भून कर ठंडा कर ली हूँ। अब ये आटे को एक बर्तन में डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, आटा कला लेंगे हम। एक रोटी जितना है फ्रेंड्स ये आटा, एक रोटी हम इसकी तैयार कर लेंगे। आप चाहिए तो इससे बढ़कर भी बना सकते हैं, इससे 3 गुना 4 गुना आप इसे कर ले सकते हैं, ज़्यादा बनाएंगे तो। देखिए अभी आटा रेडी हो चुका है, तवे के ऊपर थोड़ा तेल डाल ली हूँ मैं। अब हाथ की मदद से इसे अच्छे से ऐसा फैला लेंगे तवे के ऊपर ही, क्योंकि रोटी के तख्ते के ऊपर डालेंगे तो तख्ते के ऊपर ही लग जाएगी ये रागी की रोटी। कवर डालना पड़ेगा और उसे थोड़ा तेल डालना पड़ेगा, इसलिए मैं तवे के ऊपर ही डालकर इस तरह इसे पका ली हूँ। अब लेंगे एक जार दूसरी तरफ, उसमें डालेंगे सबसे पहले तिल। तिल को अच्छे से बारीक से पीस लेंगे हम, देखिए इस तरह फ्रेंड्स। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में निकाल कर। अब जो फली के बीज हम तैयार करके रखे थे उसे दरदरा पीस लेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह। इसे भी उसी बर्तन में डाल लेंगे। अब गुड़ को ये सारा सारा मुंह में आ जाएगा, इसलिए हम मिक्सी के जार में इस तरह इसे पीस ली हूँ मैं दरदरा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम जो रागी की रोटी बनाकर तैयार से रखे थे उसे छोटे छोटे पीसे करके जार में डाल देंगे। देखिए इस तरह इसे रागी की रोटी को पीस लेंगे। बस हो गया, सिंपल है ना, कितना खाने में बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। आप एक लड्डू खाएंगे तो दो ही खाएंगे, एक नहीं खाएंगे आप। देखिए अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से इस तरह मिक्स करके हम इसे छोटे छोटे इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। 8-10 दिन ऊपर ही रखेंगे तो भी ये कुछ नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगे ये। इसे अच्छी तरह पकाना रोटी को अच्छा है। देखिए आप लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी के आकार में भी कट कर ले सकते हैं फ्रेंड्स। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।